हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, एक टाइम था जबकि अच्छे TWS हमें बहुत ही हाई फाई रेंज में मिला करते थे, बट अभी अगर आप थोड़ा रिसर्च करते हैं तो 1000 रुपए के बजट के आसपास में भी आप एक अच्छा TWS ले सकते हैं। एंड आपको रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपके लिए रिसर्च कर लेकर आए हैं 5 बेस्ट TWS जो कि आप 1000 रुपए के आसपास में आराम से ले लेंगे। एंड इन TWS को मैंने रखा है इनकी साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, बैटरी लाइफ, बिल्ड एंड कम्फर्ट के बेस पे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है अच्छी गेमिंग, कॉलिंग, म्यूजिक या फिर आप रनिंग या जिम वगैरह करने के लिए TWS देना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको हर टाइप की TWS देखने को मिलेंगे। बट उससे पहले वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं खुरानी और आपका स्वागत है मेरे चैनल योर टेक जोन में। सो फ्रेंड्स, एट नंबर 5 पोजीशन पर आता है P2N बेसबॉल स्पोर्ट्स V2। तो ये एक रनिंग TWS है, इसके ऊपर आपको हुक देखने को मिल जाता है ताकि आप इसे अच्छे से अपने कानों में फिट कर लें, और ये जॉगिंग, जिमिंग या फिर अगर आप खेलकूद भी करते हैं तो आपके कानों से निकले नहीं। इसका केस साइज भी थोड़ा सा बड़ा है एंड इसमें आपको फुल मैट फिनिशिंग मिल जाती है। साथ ही इसके जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एंड काफ़ी लाइट वेट भी हैं। इसके फीचर्स आपको बता दूँ तो इसमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPS फॉर वाटर एंड सोल्ड रेजिस्टेंस, 8mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, EMC नॉइस कैंसिलेशन का फीचर, साथ ही इसमें आपको मोनो बर्ड्स एंड स्टीरियो बर्ड्स का भी फीचर मिलता है, एंड 6 to 7 hours का प्ले टाइम मिलता है ऑन अ सिंगल चार्ज, एंड टोटल आपको 48 hours का प्ले टाइम इसमें मिल जाता है। बट इसमें आपको इंस्टेंट पेयरिंग का टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है, साथ ही इसमें आपको कोई भी गेमिंग मोड भी नहीं मिलता है, बट एक नॉर्मल गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं। सो बात करें इसके साउंड क्वालिटी की तो 8mm के डायनेमिक ड्राइवर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। सो लाउडनेस तो आपको बढ़िया मिल जाती है, बट वॉल्यूम बढ़ाने पर जो इसका वोकल्स है उसकी क्लैरिटी उतनी अच्छी आपको नहीं मिलती है। साथ ही ट्रैवल्स और बेस भी इसमें आपको ठीक ठाक ही मिलता है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है। सो ओवरऑल म्यूजिक आपको एवरेज ही सुनने को मिलेगा। एंड बात करें कॉलिंग की तो इसका ANC फीचर काफ़ी बढ़िया वर्क करता है प्राइस रेंज के हिसाब से। एंड अगर आप शोर शराबे वाले जगह से ही बात कर रहे हैं तो आपका आवाज़ काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है, एंड इंडोर कंडीशन में तो अच्छी कॉलिंग आपको इसमें मिल ही जाती है। रेट इसका 799 rupees है इस समय जब मैं वीडियो बना रही हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से चेकआउट कर लीजिएगा। आपको ऑर्डर अगर करना हो तो आप डायरेक्ट वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एट नंबर 4 पोजीशन पर आता है बूट एयरडॉप्स 1412 वाले ईयरबड्स। तो इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस तरह के स्क्वायर शेप में मिल जाता है, एंड इसे केस का जो प्लास्टिक का मटेरियल है बहुत ही अच्छे मटेरियल से बना हुआ है एंड फुल मैट फिनिशिंग के साथ ये मिलता है। फ्रंट साइड में बैटरी इंडिकेटर लाइट्स लगा हुआ है, एंड इसके बर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, काफ़ी लाइट वेट हैं, एंड अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं देंगे। इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें ब्लूटूथ 5.1, IPS फॉर वाटर एंड सोल्ड रेजिस्टेंस, 8mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, बीस्ट मोड फॉर गेमिंग, ईरस टेक्नोलॉजी, मोनो बर्ड्स एंड स्टीरियो बर्ड्स का फीचर, 5 to 6 hours का प्ले टाइम ऑन ए सिंगल चार्ज, टोटल 42 hours का प्ले टाइम आपको मिलेगा विद केस, एंड साथ ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। तो 5 मिनट चार्ज करते हैं तो 75 मिनट तक का प्ले टाइम आपको आराम से प्रोवाइड ये करा देगा। अगर गेमिंग की बात करें तो बहुत ही हल्की सी लेटेंसी आपको देखने को मिलती है गेमिंग में, बट लेटेंसी की बात अगर है तो सिर्फ ये गेमिंग में मैटर नहीं करती है, अगर आप कोई वीडियो या फिर अगर आप मूवी वगैरह देख रहे हैं तो भी लेटेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो 8M के डायनेमिक ड्राइवर्स लगे हुए हैं, सो लाउडनेस काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। साथ में इसके जो वोकल्स की क्लैरिटी, ट्रैवल्स का जो सेपरेशन है, ये सारे 70 to 80% वॉल्यूम पर आपको परफेक्ट मिल जाते हैं। फुल वॉल्यूम पर बहुत ही हल्का सा आपको इसका जो वोकल है वो डगमगाता हुआ सा लग सकता है। एंड बेस की बात करें तो बहुत ही कमाल का बेस से मिलता है, बिल्कुल सराउंडिंग पावरफुल बूस्टेड बेस आपको इसमें देखने को मिल जाता है, एंड कॉलिंग भी बढ़िया मिल जाती है। ज़्यादा नॉइसी एरिया से अगर आप बात करते हैं तो थोड़ा नॉइस आ सकता है, पर 70 to 80% तक आपका आवाज़ जो है वो सामने वाले को अच्छे सुनाई दे देगा। प्राइस इसका इस समय 1100 रुपये है, कई बार ये 1000 रुपये के अंदर में भी आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, एंड ऑर्डर कर दो वहाँ डायरेक्टली आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पोजीशन पर आता है विंग्स फैंटम गेमिंग 2 वायरलेस ईयरबड। तो ये एक गेमिंग ईयरबड है, इसका लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, केस का साइज थोड़ा सा बड़ा है, एंड जब इसे केस को आप ओपन करते हैं तो इसके सामने की तरफ लगा हुआ इंडिकेटर लाइट जो है ये जलने लगता है, एंड बर्ड्स भी काफ़ी अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपके कान में फिट हो जाते हैं, एंड फिटिंग इसकी बहुत बढ़िया है, आप अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी करते हैं तो आपके कानों से निकलते नहीं है, एंड कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं देते हैं। कुछ फीचर्स मैं आपको इसके बता दूँ, इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3, IPX5 वाटर एंड सोल्ड रेजिस्टेंस, 12mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, AAC कोडेक का सपोर्ट, डेडिकेटेड गेमिंग मोड जिसमें आपको 50ms तक की लेटेंसी देखने को मिलेगी, MEMS माइक,
78 आवर्स का प्ले टाइम ऑन अ सिंगल चार्ज एंड टोटल 30 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है विथ केस। इसमें आपको 50 एमएस तक का लेटेंसी देखने को मिलता है एंड गेमिंग काफी बढ़िया आप इसमें कर सकते हैं, स्पेशली ये गेमिंग ईयरबड है तो बिल्कुल आप गेमिंग के लिए इसे कंसीडर कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी की बात करें तो 12 एमएम के ड्राइवर्स है तो लाउडनेस काफी बढ़िया आपको मिल जाती है। इसके जो वोकल्स वगैरह क्लैरिटी है वो प्राइस के हिसाब से आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। बेस भी काफी बढ़िया मिल जाता है, एकदम थम्पी सा बेस आपको इसे मिलता है एंड बेस में आपको डीपनेस भी देखने को मिलती है। सो ओवरऑल म्यूजिक भी इसमें आपको अच्छा मिल जाता है। कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग बहुत बढ़िया आपको इसमें मिलती है। प्राइजन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि एक परफेक्ट कॉलिंग आपको इसमें मिल जाती है इंडोर एंड आउटडोर दोनों कंडीशन में। इस समय इसका रेट है 999 रुपए, बट रेट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप चेकआउट कर लीजिएगा एंड आपको ऑर्डर करना हो तो आप डायरेक्टली वहां से ऑर्डर भी कर सकते हैं। सेकेंड पोजीशन पर आता है ट्रूपर्स S2। तो यहाँ तक पहुँचते अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊँ तो काफ़ी बढ़िया है। इसका स्क्वायर शेप में आपको इसका केस मिलता है एंड केस में आपको स्लाइडर देखने को मिलता है जिससे आप इसे केस को ओपन कर सकते हैं स्लाइडिंग करके। केस के अंदर में इंडिकेटर लाइट लगा हुआ मिल जाता है जिससे आप बैटरी देख सकते हैं एंड इसकी जो बर्ड्स हैं उसकी भी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे से आपके कानों में फिट हो जाता है एंड बिल्कुल भी आपको अनकम्फर्टेबल सा फील नहीं देगा। इसके फीचर्स आपको बता दूँ तो इसमें ब्लूटूथ 5.1, IPS4 वाटर ट्रांसपोर्ट रेजिस्टेंस, 10 mm के ड्राइवर्स, क्वाइट माइक का सेटअप जिसमें दो दो माइक आपको दोनों ईयरबड में लगे हुए मिल जाएंगे, गेमिंग मोड जिसमें आपको 55 ms तक की लो लेटेंसी देखने को मिलेगी, 8 से 10 घंटे का प्ले टाइम ऑन अ सिंगल चार्ज एंड टोटल 45 से लेके 48 आवर्स तक का प्ले टाइम आपको मिलता है एट 50-60% वॉल्यूम। एंड गेमिंग की बात करें तो एक बढ़िया गेमिंग आप इसमें एंजॉय कर पाएंगे, लेटेंसी इतनी कम है कि आपको पता भी नहीं चलेगी। साउंड क्वालिटी की बात करें तो काफी बढ़िया लाउडनेस आपको इसमें देखने को मिल जाता है एंड इसमें आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है, तो इसमें आप अलग अलग इक्विलाइजर मोड अपने पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं एंड क्लैरिटी वोकल्स वगैरह की या ट्रेवल्स का जो इस प्रकार सेपरेशन है वो काफी बढ़िया आपको मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया बेस मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल इसे अच्छे म्यूजिक के लिए कंसीडर कर सकते हैं। एंड कॉलिंग भी इसमें आपको बढ़िया मिल जाएगी, बहुत ज्यादा नॉइसी एरिया में बात करते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा ट्रैफिक का आवाज जाए बट आपका आवाज काफी ज्यादा फोकस रहता है। इस समय आपको 1050 रुपए का पड़ता है, बट आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि रेट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। अगर आपको 1100-1200 ही मिल रहा है तो डेफिनेटली आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। सो फटाफट से बात करते हैं नंबर 1 पर आने वाले बर्ड्स की। तो नंबर 1 पर आता है ट्रूपर्स BTG3। तो ये एक गेमिंग ईयरबड है, काफी बढ़िया है इसके केस का लुक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल घूरते हुआ ऐसा केस एकदम नजर आता है एंड इसके जो केस के प्लास्टिक का मटेरियल है वो काफी बढ़िया है एंड साइज में भी काफी अच्छा, ये कॉम्पैक्ट सा है। इसमें आपको ग्लॉसी फिनिश मिलता है जो कि थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश वाले केस के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि इसमें स्क्रैचेस लगने के चांसेस बने रहते हैं, सो केयरफुली आप इसे यूज करिएगा। एंड इसके जो बर्ड्स हैं वो छोटे साइज के हैं, काफी अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपके कानों में फिट हो जाते हैं एंड कोई भी अनकंफर्टेबल फील आपको नहीं देते हैं। इसके फीचर्स मैं आपको बता दूं दोस्तों, ब्लूटूथ 5.1, IPS4 वाटर ट्रांसपोर्ट रेजिस्टेंस, 10 mm के ड्राइवर्स, इन ईयर डिटेक्शन, गेमिंग मोड, AI पावर्ड नॉइस कैंसिलेशन माइक्स मिल जाते हैं, 8-10 आवर्स का प्ले टाइम ऑन अ सिंगल चार्ज एंड टोटल 48 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है आपको विथ केस। एंड इसमें गेमिंग आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाती है, एकदम ना के बराबर लेटेंसी इसमें आपको सुनने को मिलता है, सो एक परफेक्ट गेमिंग के लिए आप बिल्कुल इस ऑप्शन में रख सकते हैं। एंड म्यूजिक क्वालिटी की बात करें तो 10 mm के ड्राइवर के साथ में बिल्कुल लाउडनेस आपको बहुत ही बढ़िया इसमें मिल जाती है एंड एकदम सराउंडिंग सा म्यूजिक आपको सुनने को मिलता है, एकदम 3D सा इफेक्ट आपको म्यूजिक में नजर आएगा। एंड बेस की बात करें तो एकदम कमाल का बेस इसमें आपको मिल जाएगा, एकदम सराउंडिंग पावरफुल और पंची बेस मिलता है एंड बेस में डेप्थनेस भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। कॉलिंग भी आपको इसमें बढ़िया मिलती है प्राइजन के हिसाब से, ज्यादा नॉइस एरिया में हल्का फुल्का जो आपका आसपास का ट्रैफिक का साउंड है वो जा सकता है बट आपका आवाज ज्यादा फोकस रहता है। ये आपको 999 रुपए में पड़ेगा एंड अपने प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ईयरबड है, मेरी तरफ से आप डेफिनेटली इसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, जाकर चेकआउट आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। ये थे 5 ईयरबड्स जो आप 1000 रुपए के आसपास में ले सकते हैं एंड सारे ही बहुत अच्छे हैं। आपको जो भी ऑर्डर करना हो सभी के बेस्ट डिस्काउंटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाके चेकआउट आप कर लीजिएगा एंड डायरेक्टली आप वहां से ऑर्डर भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा एंड अगर किसी को नया ईयरबड इस समय लेना है तो इसे वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।